नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ट्यूशन और ट्यूशन ब्यूरो के बारे में बताऊंगा। ट्यूशन कब से पढ़ा जा रहा है या कब से पढ़ाया जा रहा है, अगर यह पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि जब से यह आधुनिक शिक्षा लागू हुई है तब से ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने का रिवाज रहा है। इसे रिवाज भी कह सकते हैं, इसे व्यापार भी कह सकते हैं, इसे हम अर्निंग का एक साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने वाला पढ़ाने के बदले फीस लेता है तब पढ़ाता है। और यह ट्यूशन ब्यूरो क्या है? ट्यूशन ब्यूरो एक कड़ी है स्टूडेंट्स और ट्यूटर के बीच की। और इसकी क्या भूमिका है? क्या ट्यूशन ब्यूरो नहीं होंगे तो ट्यूशन पढ़ाना या ट्यूशन पढ़ना संभव नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं? जरा सोचिए कि यह ट्यूशन ब्यूरो कब से प्रचलित हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना समय हुआ होगा? 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल? क्या उसके पहले ट्यूशन पढ़ने या पढ़ाने का चलन नहीं था? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जो ट्यूशन पढ़ना चाहता हो और उसे ट्यूटर न मिल पाता हो? क्या कोई ऐसा टीचर था जो ट्यूशन पढ़ाना चाहता रहा हो और उसे स्टूडेंट न मिले हों? आज अपने देश इंडिया में बड़े शहरों की अगर बात की जाए, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, या उससे भी बड़े शहरों की बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर वगैरह वगैरह में ट्यूशन ब्यूरो पाए जाते हैं। छोटे शहरों की बात करें, जौनपुर, आजमगढ़ जैसे शहरों की, तो वहाँ ट्यूशन ब्यूरो नहीं है, लेकिन वहाँ के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। और ऐसा कोई टीचर या ट्यूटर नहीं है जिसके पास ट्यूशन ना हो, अगर वह पढ़ाना चाहता है तो। फिर क्या भूमिका है इन ट्यूशन ब्यूरोज की? कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ये ट्यूशन ब्यूरो वाले रोजगार का सृजन करते हैं, इनके भरोसे कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, पर मैं इसे पूरी तरह से गलत मानता हूं, क्योंकि जहां पे ट्यूशन ब्यूरो नहीं है या जब ट्यूशन ब्यूरो नहीं था वहां भी लोग ट्यूशन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, या ट्यूशन पढ़ा जाता था और ट्यूशन पढ़ाया जाता था। यह ट्यूशन ब्यूरो बीच में आ गए हैं अवांछनीय रूप से, इनकी घुसपैठ हो गई है और ये भीख कमाने लगे हैं ट्यूशन ब्यूरो चलाकर। ट्यूशन ब्यूरो चलाने वाले कितने योग्य होते हैं यह आप जानते होंगे। अगर आप किसी ट्यूशन ब्यूरो से पूछें कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ट्यूशन ब्यूरो से मतलब है उसके ओनर से पूछें, तो आप जान पाएंगे कि जो ट्यूशन ब्यूरो चला रहा है वह तो कितना योग्य व्यक्ति है, वह कैसे टीचर को जांचता है, कैसे परखता है। अब अगर आप ट्यूशन ब्यूरो के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका शोषण होता है, क्योंकि कोई भी ब्यूरो एक अच्छा खासा कमीशन आपसे लेता है। प्रायः 1 महीने की पूरी फीस होती है एक सेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन के चार्जेज भी होते हैं, और अगर ट्यूशन 1 महीने 2 महीने के बाद बंद हो जाए तो भी टीचर्स का ट्यूटर्स का नुकसान होता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, तो ट्यूशन ब्यूरो के आने से टीचर्स का, ट्यूटर्स का शोषण बढ़ा है। और आप शायद जानते हों कि आखिर ये ट्यूशन ब्यूरो वालों के पास ट्यूशन कहाँ से आता है।
इसके लिए विज्ञापन के कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन में अपना विज्ञापन देते हैं। यहां तक तो ठीक है। शहर की दीवारों पर अवैध रूप से भी इनके विज्ञापन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो कि अवैध है, गैरकानूनी है। तो ये ट्यूशन ब्यूरो गैरकानूनी कार्यों में भी संलिप्त हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जो सरकारी औपचारिकताएं होती हैं, अनिवार्य औपचारिकताएं, उनको भी ये ठीक से पूरा नहीं करते। अब अगर आप ट्यूशन ब्यूरो से संपर्क करते हैं ट्यूशन पाने के लिए, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ट्यूशन ब्यूरो के संपर्क में ना आए तो ट्यूशन कैसे पाएंगे। तो मैं यहां किसी कस्टमर केयर कंपनी का विज्ञापन नहीं देना चाहता। वैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कांटेक्ट नंबर आप जानते होंगे, सारे डिजिट सेम हैं, और यही वह कस्टमर केयर कंपनी है जिससे लगभग लगभग सारे ट्यूशन ब्यूरो जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज जिस किसी स्टूडेंट्स को या जिस किसी गार्जियंस को टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो एक सिंपल सा नंबर है जिसके 8 डिजिट सेम हैं, उसको डायल करता है और टीचर्स की बात करता है। और यह कंपनी ट्यूशन ब्यूरो को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करके रखती है और उनको गार्जियंस के नंबर दे देती है। इसके बदले में कंपनी कुछ पैसे भी लेती है, कुछ चार्जेज भी लेती है। अब जो ट्यूशंस इस कस्टमर केयर कंपनी से ट्यूशन ब्यूरो को मिलते हैं, उसको ये अच्छे कमीशन पर, बड़े कमीशन पर टीचर्स को देते हैं। और एक टीचर अमूमन 10,000 से 20,000 तक एक साल में कमीशन के रूप में दे देता है ट्यूशन ब्यूरोज को। टीचर्स अगर सीधे सीधे जस्ट डायल से कांटेक्ट करे, क्षमा कीजिएगा मेरे मुंह से जस्ट डायल कंपनी का नाम निकल गया, वैसे इसका मुझे अफसोस भी नहीं है, मैं जस्ट डायल की ही बात कर रहा हूं। अगर टीचर्स सीधे सीधे जस्ट डायल कंपनी से बात करे और अपना रजिस्ट्रेशन करा ले जस्ट डायल कंपनी में, तो मेरा मानना है कि जितना कमीशन टीचर्स या ट्यूटर्स ट्यूशन ब्यूरो को देते हैं, उससे कम कमीशन में जस्ट डायल से ट्यूशन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एक ट्यूशन ब्यूरो मुश्किल से 5, 10 या 15 ट्यूशंस एक टीचर को बताते हैं, उसमें से कुछ ट्यूशन फाइनल होता है और कुछ ट्यूशन ही पूरा सेशन चल पाता है। अगर आप एक निश्चित अमाउंट, जैसा कि जस्ट डायल कंपनी बताती है आपको, उतना आप पेड करते हैं, तो जस्ट डायल कंपनी आपको सीधे सीधे ट्यूशंस दे देगी, गार्जियंस के नंबर दे देगी, स्टूडेंट्स के नंबर दे देगी, और यकीन मानिए ट्यूशन ब्यूरो से कई गुना ज़्यादा देगी। ऐसे में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप अपना भी भला कर सकते हैं, और जो ट्यूशंस आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है उसे अपने मित्रों, अपने साथियों या जो कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहता है उसको देकर एक नेक काम भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।